हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द समरी ऑफ चैप्टर 1 द फन दे हैड। दिस चैप्टर विच बिलोंग टू बी हाइव बुक। सो लेट्स स्टार्ट। द फन दे हैड वॉज रिटन बाई आइजैक आइजिमोव। ये जो द फन दे हैड जो लेसन है वो लिखा गया है आइजैक आइजिमोव के द्वारा। द स्टोरी इन दिस चैप्टर बेस्ड ऑन फ्यूचर। जैसे कि हम पहले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो ये जो स्टोरी है बिल्कुल फ्यूचर पर आधारित है। व्हेन स्कूल्स आर कंडक्टेड डिजिटली थ्रू वर्चुअल क्लासरूम। जब स्कूल्स कंडक्टेड होंगे डिजिटली, जैसे कि हम देखते हैं ऑनलाइन क्लासेज में डिजिटली बोर्ड के रूप में वर्चुअल क्लासरूम चलेंगे। द क्लास आर टेकन बाई रोबोटिक टीचर। जो क्लास हैं वो ली जाएंगी एक रोबोटिक टीचर के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ ए ह्यूमन क्लास टीचर। मतलब जो ह्यूमन क्लास टीचर होते हैं उनके बजाय रोबोटिक टीचर से क्लासें ली जाएंगी। द स्टोरी स्टार्टेड विद टू चिल्ड्रन हुज नेम्ड वाज मार्गी एंड टॉमी। जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है दो बच्चों के साथ में जिनका नेम है मार्गी और टॉमी। दे आर टेकन वर्चुअल क्लासेज गिवन बाई ए मैकेनिकल टीचर। वो ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं, वर्चुअल क्लासेज लेते हैं जो कि एक मैकेनिकल टीचर के द्वारा दी जाती हैं। ऑन 17th में 2157 को क्या होता है, मार्गी रोड इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में नोट करती है, लिखती है अबाउट हाउ टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि कैसे टॉमी को एक रियल बुक मिलती है, यानी कि असली की बुक मिलती है, क्योंकि वो उन बच्चों ने कभी भी रियल बुक नहीं देखी थी। क्योंकि वो जैसा कि हम लेसन में पढ़ रहे हैं और पढ़ते आए हैं कि उनको एक वो जो क्लास थे वो ऑनलाइन क्लास लेते थे, तो उन्होंने एक रियल बुक नहीं देखी थी, इसलिए जब उनको एक रियल बुक मिली तो वो थोड़ा सा सस्पेंस में थे और थोड़ा सा आश्चर्य कर रहे थे। इट वॉज एन ओल्ड बुक। ये तो कैसी थी, ये बहुत पुरानी बुक थी। इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ स्टोरीज। इसमें बहुत प्रकार की स्टोरीज थी, कहानियाँ थीं। मार्गी ग्रैंड फादर वंस टोल्ड हर। मार्गी ग्रैंड फादर जो थे उन्होंने एक बार उसे बताया था, क्या बताया था कि दैट व्हेन ही वॉज ए यंग बॉय, जब वो एक जवान लड़के थे, हिज ग्रैंड फादर उसके भी ग्रैंड फादर ने इन्फॉर्म किया था उसके लिए कि ऑल द स्टोरीज यूज टू बी प्रिंटेड ऑन पेपर इन दोज डेज, कि उन दिनों में जो स्टोरी होती है वो प्रिंटेड किया जाए छापी जाती थी। किस पर? पेपर पर छापी जाती थी। मार्गी एंड टॉम स्टार्टेड टर्निंग द येलो एंड क्रम्पल्ड पेज ऑफ द बुक और टू डिस्कवर मोर अबाउट दोज डेज। तो मार्गी और टॉमी ने जो उस बुक उनको मिली थी उसके पेज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके पेज जो थे येलो थे एंड क्रम्पल्ड थे, यानी कि थोड़े से उन पर फोल्डिंग की जैसी लाइन बनी हुई थी, उसको पलटना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो किस लिए पलट रहे थे वो बुक को, ये ढूंढने के सर्च करने के लिए, मोर अबाउट दो डेज, उन दिनों के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी लेने के लिए उस बुक के वो पेज को पलटने लगे थे। They found it hilarious to read the book as the world stood fixed one place. वो थोड़े से अचंभित होते, हिलेरियस भी हो रहे थे पढ़ने के लिए, कि जो बुक के जो वर्ड थे ना वो केवल एक ही स्थान पर बिल्कुल फिक्स थे। But they saw on a computer screen then them moving. लेकिन उन्होंने तो कंप्यूटर स्क्रीन पर उन जो वर्ड्स थे उनको मूव करते हुए देखा था। टॉमी यहाँ पर एक्सप्लेन करता है दैट इट वॉज बेस्ट बुक, कि यहाँ पर ये तो बुक जो है बिल्कुल बेस्ट बुक है, बिल्कुल बेकार है, खराब बुक है। एंड थ्रो इट अवे वंस कंप्लीट, और जब एक बार ये पूरी हो जाए तो उसको फेंक देना है। ही फील्स दैट टेलीविजन स्क्रीन हैज ए मिलियन बुक्स ऑन इट। उसको महसूस हुआ कि इसकी अपेक्षा जो टेलीविजन है उस पर तो लगभग लाखों बुक्स हैं। एंड कुड स्टोर ए प्लेंटी मोर अबाउट इट विदाउट थ्रोइंग इट अवे, और वो उस पर और भी पर्याप्त मात्रा में कलेक्ट उनको स्टोर कर सकता है विदाउट थ्रोइंग इट अवे, बिना उनको फेंके वो उस पर और ज़्यादा कलेक्ट कर सकता है। सून दे स्टार्ट रीडिंग अबाउट ए स्कूल। जल्दी उन्होंने एक स्कूल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम, वो पुरातन समय की जो एंशियंट टाइम जो पुराना जो समय था उस समय के जो वो स्कूल थे उनके बारे में उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। व्हेन द टीचर्स वर ह्यूमन बीइंग्स, जब टीचर्स जो थे वो ह्यूमन थे, यानी कि जैसे हम आजकल हैं ह्यूमन है और भविष्य में यही होगा, ठीक है, और होने वाला हो चल भी रहा है, ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। Although मार्गी hated the concept of school, यद्यपि क्या था, जो मार्गी थी वो स्कूल के कॉन्सेप्ट से हेट करती थी। क्यों हेट करती थी? She surprised to know actual people taught in school.
क्यों हेट करती थी, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था, क्योंकि उसको पढ़ना तो अच्छा लगता था, लेकिन उसको जब टेस्ट दिए जाते थे, वो उसके जो होमवर्क दिया जाता था वो उसे बहुत बुरा लगता था, इसलिए वो स्कूल से हेट करती थी। अब देखो, शी सरप्राइज, वो थोड़ी अचंभित भी थी ये जान करके कि एक्चुअल पीपल हैं, पीपल जो होते हैं वो स्कूल में पढ़ाते थे उस समय। दिस इज बिकॉज, यह है क्योंकि शी हैज ओनली सीन रोबोट टीचिंग हर एट स्कूल, क्योंकि वो थोड़ा अचंभित क्यों थी, क्योंकि उसने तो अपने स्कूल में केवल रोबोट टीचर को पढ़ाते हुए देखा था। वंस मार्गीज मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर टू फिक्स द मैकेनिकल डिवाइस ऑन विच मार्गी अटेंड्स हर और वर्चुअल क्लासेस। एक बार क्या हुआ, थोड़ा सा वो जो मार्गी थी ऑनलाइन क्लासेस पर लेती थी, वो जो डिवाइस थी वो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ गई होगी। तो एक बार क्या होता है, मारी की जो मदर हैं एक काउंट इंस्पेक्टर को बुलाती हैं जो मैकेनिकल जो डिवाइस थी उसको ठीक करने के लिए, जिस पर मार्गी अपने वर्चुअल क्लासेस को अटेंड करती थी। ही पुट द बिग ब्लैक स्क्रीन टुगेदर अगेन, उसने दोबारा से जो बड़ी बड़ी काली स्क्रीन थी उसको दोबारा से एक साथ रख दिया था, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर डिस्प्लेड, जिस पर सारे लेसन्स थे वो जो डिस्प्लेड हो रहे थे, एंड क्वेश्चन आर आस्क्ड, और पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। द लिटिल गर्ल वाज डिसअपॉइंटेड, और जो छोटी लड़की थी वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई थी अबाउट द डिवाइस गेटिंग फिक्स्ड सो सून, इसलिए क्योंकि जो डिवाइस थी वो जल्दी ही ठीक हो गई थी। शी न्यू शी वुड अगेन नीड टू पुट होमवर्क, और वो जान गई थी कि उसे दोबारा जो होमवर्क मिलेगा, एंड टेस्ट पेपर, उसको टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे इनटू इट थ्रू ए पंच कोड, जो कैसे थे वो पंच कोड के रूप में उसे सॉल्व करने होंगे। दिस इज द समरी ऑफ लेसन नंबर 1।